बिहार बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। इस बार परीक्षा में छात्र छात्राओं के लिए कुछ विशेष गाइडलाइंस जारी किए गए हैं। साथ ही नकल पर शिकंजा कसने के लिए प्रशासन भी काफी सख्त नजर आ रहा है। पटना के परीक्षा केंद्रों में छात्रों ने अपने जूते उतारकर स्कूल में प्रवेश किया, तो वहीं औरंगाबाद में भी परीक्षा को कदाचार मुक्त करने के लिए हर परीक्षार्थियों की पूरी तलाशी ली गई। माध्यमिक बोर्ड के आदेश के बाद परीक्षा केंद्रों पर बच्चों के जूते और मोजे उतरवाकर प्रवेश करवाए गए हैं। जूता इस वजह से क्योंकि चीटिंग है इसमें, लेकिन चीटिंग है नहीं। अच्छा, हाँ, तो इसी वजह से खोल दे रहे हैं। इस पे क्या कहेंगे आप? जूता अगर खुलवा दिया जा रहा है, इस पे क्या कहेंगे? कुछ बोले खोलने के लिए तो खोल दे रहे इसमें, जब चीटिंग ही नहीं तो फिर डालने की कौन सी सवाल है। मुंगेर में भी 18 परीक्षा केंद्रों पर जिला प्रशासन की कड़ी निगरानी में परीक्षा शुरू हुई। परीक्षा कदाचार मुक्त हो इसके लिए करीब 2000 पुलिस बल की नियुक्ति की गई है। वही नकल की कोई गुंजाइश ना हो इसके लिए केंद्रों पर भी सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। जो छात्र जूते मोजे पहनकर आए थे वो उतरवा दिए गए। हो सकता है चोरी भी हो सकता है इसमें, अगर जूता या सैंडल जूते पहन के जाएंगे। जहानाबाद में भी बिहार बोर्ड के फरमान के बाद परीक्षा केंद्रों पर जूते पहनकर आए छात्रों के जूते उतरवा दिए गए, लेकिन सरकार के इस निर्देश पर कुछ परीक्षार्थियों ने विरोध भी जताया। खाली पैर जा रहे हैं परीक्षा देने के लिए। क्या बोले गेट पर? जूता खोल के जाना है। जूता खोल कर जाना। खोल दिया? हाँ, खोल दिया। अब कैसे जा रहे हो परीक्षा देने? पैदल, ऐसे ही खाली। नंगा पांव? नंगा पांव? हाँ। तो क्या आपके मतलब लग रहा है? नहीं, ठीक नहीं लग रहा। तो ये पहले से जो बोर्ड ऑफिस का जो निर्देश निकला है, क्या लग रहा है तुमको? बहुत गंदा लग रहा है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मानसिक रूप से क्या लग रहा है? अंदर से बहुत दिक्कत हो रहा है। कि परीक्षा चल रही है और क्या चेक हो रहा है यहाँ पे? मैट्रिक परीक्षा चल रही है। हाँ, कदाचार मुक्त कराना है परीक्षा, इसलिए सारा चेकिंग हो रहा है। लड़का का ऐसा कुछ नहीं निकला है अभी तक। जूता भी खुलाया जा रहा है? जूता भी, पर्स भी बाहर फेंकना। कई बच्चे बगैर जूता के पैदल जा रहे हैं, क्या लगता है? नंगा पाँव? हाँ, नंगा पाँव जा रहे हैं। अगर जूता पहन के आए थे तो जूता को बाहर रख दिया गया, क्या लगता है? ठीक है? हाँ, सरकार का आदेश है, बिहार बोर्ड का, इसलिए तो उसका पालन करना अनिवार्य है। लेकिन गया में परीक्षा केंद्रों का एक अलग ही नजारा देखने को मिला। शहर में 4 परीक्षा केंद्रों को आदर्श परीक्षा केंद्र बनाया गया है, जिनके प्रवेश द्वार को गुब्बारे से सजाया गया है। वहीं परीक्षा केंद्रों में कारपेट भी बिछाए गए हैं, साथ ही बाल विवाह और दहेज प्रथा को रोकने के लिए स्लोगन भी लगाए हैं। परीक्षा में नकल ना हो इसके लिए विद्यार्थियों के जूते मोजे पर्स अंदर न ले जाने पर रोक लगी हुई है। और ये आपका 10+2 जिला स्कूल है, इसमें आप देख रहे हैं कि आदर्श केंद्र महिलाओं का बना हुआ है। यहाँ पे महिला मजिस्ट्रेट, महिला शिक्षिका, छात्राएं हैं और काफ़ी इसको ढंग से सजाया गया है। बेटी बचाओ अभियान के बारे में जहाँ तहाँ स्लोगन भी लिखा गया है और कारपेट से सजाया गया है। देख रहे हैं सारा इनका सजावट भी आपको दिख रहा है। और हम लोग काफ़ी यहाँ पे पुलिस बल भी हमारी महिलाएं ही हैं, महिला पुलिस पदाधिकारी भी हैं और ये सभी लोग हम लोग अपना नियम का पालन करते हुए काफ़ी अच्छे ढंग से इन लोगों का हम लोग फिक्सिंग भी कर रहे हैं। अभी फर्स्ट सिटिंग में लगभग 680 बच्चे हैं और सेकंड सिटिंग में लगभग 640 बच्चे हैं। तो पहला इंस्ट्रक्शन ये है कि कोई भी बच्चा जूता और मोजा पहन के नहीं आएगा और इसके लिए पूरी कड़ी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा कोई भी किसी तरह का आपत्तिजनक वस्तु जैसे चीट और पुर्जा या उसके अलावा कोई भी ब्लूटूथ या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेकर के अंदर नहीं आ सकता है। हम लोग डबल लेयर फ्रिस्किंग कर रहे हैं। यहाँ गेट पर हमारे पुलिस बल और वीक्षक यहाँ फ्रिस्किंग कर रहे हैं। अंदर जाने से पहले एक बार और फ्रिस्किंग हम लोग कर रहे हैं। उसके अलावा क्लासरूम में भी जो टीचर हैं उनसे हम लोग शपथ पत्र ले रहे हैं कि उन लोगों ने क्लासरूम में भी अपने अपने जो संबंधित बच्चे हैं उन लोगों को उन्होंने सघन जांच कर लिया है और उनके पास कोई भी ऑब्जेक्शनेबल आइटम्स नहीं है। आपको बता दें कि साल 2017 में पूरे देश में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की नकल को लेकर काफी बदनामी हुई थी और इसी से बचने के लिए इस बार बिहार विद्यालय परीक्षा समिति नकल पर लगाम लगाने के लिए पूरी तरह से सजग है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।